कोई भी ह्यूमन बीइंग जो होगा, इंसान जो होगा, उसके सामने कोई भी ऐसी डर की चीज़ आए तो वो डर ही जाएगा। ऑब्वियसली हम भी डर गए, बहुत डर गए। हमारी सर्जन, मैं तो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आलिया वैद हूँ, मेरे साथ ही डॉक्टर शबीना जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो सर्जन थी, हमें थिएटर में सिजेरियन कर रही थी, और डॉक्टर नसीर अहमद टाक हैं, वो एनेस्थेटिस्ट हैं, हमारी सिस्टर्स सिस्टर मुसविर, सिस्टर गुलशन और सिस्टर शाहिदा, और हमारे टेक्नीशियन अफजल साहब, उन्होंने कल बेचारों ने उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया था यहाँ न्यूली, रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया था। तो जब ये इंसिडेंट हो गया तो हम भी बहुत डर गए, हमारे दिल में भी खौफ पैदा हो गया। तो लेकिन हमें ये था कि हम यहाँ पेशेंट की जान बचाने के लिए आए हैं। पेशेंट को एलएससीएस हो रहा था और दैट टू इन स्पाइनल एनेस्थीसिया, विद स्पाइनल एनेस्थीसिया, उसमें पेशेंट को होश होता है तो वो सारा इंसिडेंट, सारा प्रोसीजर इर्द गिर्द जो होता है वो देख पाता है। तो वो भी देख रही थी ये सारा, एक तो हमारा खौफनाक ये इंसिडेंट, तो हमारा भी चेहरे पे वो थोड़ा सा डर, जो हमने निकाल के फेंक दिया उस टाइम पेशेंट की वजह से, बिकॉज शी वाज आल्सो इन एप्रिहेंशन, उसको भी बहुत डर था। लेकिन हमारे सारे टीम ने हिम्मत बंधा के, उसको हिम्मत दे के सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके, हमें जो काम करना था, बच्चा जच्चा दोनों को बचाना था, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का, वी थैंक टू ऑलमाइटी कि हमने वो पूरे अच्छे से अंजाम दिया। जो हमारे वर्दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है, उनकी गाइडेंस पर, उनकी डायरेक्शंस पर हमने एसडीएच बिजबिहारा को 24/7 मैटरनिटी सर्विसेज के लिए स्टार्ट किया। यहाँ पर अब 24 घंटे एलएससीएस होते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब ने इसके लिए हमें स्टाफ प्रोवाइड किया, हमारे डीसी साहब ने इसके लिए हमें बिल्कुल सपोर्ट किया, तो उसकी बिना पर हम यहाँ पर आज ये सर्विसेज दे रहे हैं। कल जैसा आपको जानते हो कि एक ट्रिमर आ गया, एक झटका आ गया, जलजले का झटका आ गया, उस वक्त हमारे हॉस्पिटल में रात को ये तीसरा एलएससीएस चल रहा था। तो डॉक्टर साहिबान और हमारी टीम जो है वो एलएससीएस कर रहे थे, तो जलजले का झटका आ गया। हमारे डॉक्टरों ने, हमारे स्टाफ ने उस वक्त यही समझा कि सबसे कीमती पेशेंट की ज़िंदगी है, माँ और बच्चे का सवाल है, तो उन्होंने इसी अपनी ड्यूटी को, अपने पेशे को गनीमत समझा और बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनली ये काम अंजाम दिया। शुक्र अल्लाह का कि दोनों माँ और बच्चे इस वक्त सही सलामत हैं।